अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी, और तुसी देख रहे हो सॉल्ट रेंज कलर का नॉर्थ वेस्ट पंजाब का जड़े कह लो तुसी कि जितों हिल स्टेशन शुरू होते हैं उस जगह के उत्ते असी M2 के उत्ते हाँ। और पाकिस्तान की सब तो खूबसूरत जी मोटरवे है, जिहड़ा सब तो खूबसूरत पार्ट कहलांदा है सॉल्ट रेंज का, यही कहलांदा है जिदे ते असी इस वेले चल रहे हैं। जी लाहौर तो पिशावर तक है ट्रैक है, लेकिन वह सब तो ब्यूटीफुल पार्ट जोड़ा है वह है सॉल्ट रेंज है जी। सॉल्ट रेंज की हिस्टरी उमें तो अगर देखा जाए तो इतने डिस्कल्स और इतने जो मिले ने फॉसल्स मिले ने वो बहुत ही सदियां पुराने ने, और इतने नमक जोड़ा दरियाफ्त होया वो अलेगजेंडर ने यानी कि सिकंदर आजम ने किया, क्योंकि वो घोड़े जो इतने आके ठहरे और उन्होंने पत्थर चटना शुरू कर दिता, और अपने एक वजीर को उन्होंने पूछा कि की वजह है घोड़ियां को कोई मसला है, तो उन्होंने कहा जी इतने जमीन के नमक है। तो फिर उस वेले जोड़ा नमक पहली बारी दुनिया इतने सामने आया कि इस जगह के उत्ते नमक जोड़ा वो काना जड़िया ने फिर बननिया शुरू हो गई आस्ता आस्ता उस बाद, और अज तक जोड़ा दुनिया का सब तो व्डा जखीरा जोड़ा पाकिस्तान के नॉर्थ वैसट इलाके जिनके कलर कहा सॉल्ट रेंज, ठीक है जी। और कह लो तुसी चवा सदन शाह यह सारे एरिए जोड़े ने कहलाते हैं, और इतने सब तो ज़्यादा नमक जोड़ा वो दुनिया का जमीन के निकलता है। सॉल्ट माइनस जड़िया ने खेवड़ा के नाम तो ये सफ़र कर दिया ने जी मुगल पीरियड के बहुत व्डा रेवीन्यू जोड़ा सी इस जगह तो जनरेट हों, डाउनफॉल्स ऑफ द मुगल तो बाद सिख अंपायर के इलाका जोड़ा सिख खालसा राज के हत्ते आता है, और इस जगह की केयरटेकिंग जी है वह जनरल हरी सिंह नलवा मिलती है, और जनरल हरी सिंह नलवा के दौर एक वाहिद एक ए पॉइंट है कि जिथे महाराजा रणजीत सिंह और जनरल हरी सिंह नलवा की आपस तू मैं हुई है रेवीन्यू के उत्तों, क्योंकि यदि रेवीन्यू के उत्ते थोड़ा जिन्ना ऑब्जरवेशन सी जिड़ी के दूजे वजीर ने कह के गलत फहमियाँ पैदा करके आपस में एक बार इतने क्रॉस टॉक हुई है सिर्फ सॉल्ट रेंज के उत्ते, क्योंकि सॉल्ट की रेवीन्यू बहुत व्डा रेवीन्यू है, कोई छोटा रेवीन्यू नहीं सी इस वे। फिर सब बादों जदों एंड ऑफ खालसा राज हुंदा है राइज अप ऑफ द ब्रिटिश और या कह लो तुसी ब्रिटिश राज, ते ब्रिटिश राज दे विच फिर ब्रिटिश ने इनू बहुत फौकियत दिती और इतों इन्हें सॉल्ट कढ़ के ते पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा वो फैला दिता, और रेलवे ट्रैक जिहड़े ने इतों जिहड़े ने समझ लो कि तुसी सेंट्रल इंडिया तक और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडिया तक जिहड़ा है इहदा सॉल्ट जिहड़ा है इस तरह बाय ट्रेन जिहड़ा इतों फिर जिहड़ा वो शुरू कर दिता ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिता माल गड्डियां दे विच जिहड़ा। तो सो पाकिस्तान बनन तो बाद भी इहदा बहुत वड्डा रेवीन्यू है इस जगह का, लेकिन कह लो कि जिस तरह कि होना चाहिए उस तरीके नाल इहनू एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, खास करके जिहड़े अस्थमा के पेशेंट ने उन्हां वास्ते इत्थे दे बनियां होईयां चीज़ां जिहड़ियां ने लैंप हो गए ग्लोब हो गए या सॉल्ट थेरेपी जिहनूं कहा जाता है वो भी इत्थों ही सारा कुछ निकलता है, और यह वो रेंज है कि जिहदी दुनिया दे विच ब्यूटीफिकेशन दे हवाले नाल कटास राज होवे चाहे नंदना फोर्ट होवे चाहे जमीन का मरकस, इत्थों थोड़े ही फासले दे उत्ते एक जगह है नंदना फोर्ट जिथे कि अल बैरूनी ने बैठ के जमीन का कतर मापिया सी यानी कि जमीन का सेंटर कढ़िया सी कि सेंटर किहड़ी जगह ते बनता है, ठीक है जी। तो अल बैरूनी जिन्हों के विद्या सागर कहा जाता है उस बंदे ने इस चीज़ के मुतलक जिहड़ी सी वो खोज की थी। तुसी देख रहे हो पाकिस्तान का M2 और मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी, और एक खूबसूरत यानी कि कह लो तुसी इतों खुल के अगे पंजाब जिहड़ा है वो तुहानू नज़र आना शुरू हो जाता है, और एक ब्यूटी जिहड़ी है अगे जिहदे मुतलक के बाबर ने कहा सी कि जदों मैं थले उतरिया पहाड़ां तों ते अगे मैनू जमीन सोने दी मिली,
ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਸਪੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬ ਕੋਂਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਗੋਧਾ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਖਤਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈ ਸਰਗੋਧਾ ਦੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਲੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟੋਟਲ 21 ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦਰਾ, ਮਿਲੋਟ, ਬਿਲੋਟ, ਕਾਫਰਕੋਟ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ਰੀਫ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਇੰਡਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਲਕਿ ਚਸ਼ਮਾ ਬਿਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 700 ਤੋਂ 1200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਟਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਜੰਜਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੈਟ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੰਜਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਲਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ੱਪੇ,